We have already talked about AHAs, BHAs and vitamin C in Skincare 101 part 1, and today we are here for part 2. Hello, if you guys are stopping here for the first time, this is Diljeet and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please consider subscribing to my channel, which is Blush by Diljeet. Okay, so I have discussed about lot of these ingredients already in part 1 as well. अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद जाके आप मेरा लास्ट वीडियो भी जरूर देखना, मैं लिंक कर दूंगी. बट आज की वीडियो में भी हम काफी सारे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लान ये है कि ये सब वीडियोस देखने के बाद यू कैन हैव योर स्किन केयर गेम क्वाइट इजी बट इफेक्टिव. वेल, एटलीस्ट दैट इज द एम. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. और सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेटिनॉइड. लेट्स स्टार्ट विद द रेटिनॉइड. रेटिनॉइड इज एक्चुअली एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल द विटामिन ए. तो अगर आपको नहीं पता, जितने ये रेटिनल, रेटिनॉल और जितने भी फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सबके सब विटामिन ए हैं. तो सबके सब जो है रेटिनॉइड के कैटेगरी में ही आते हैं. अब विटामिन ए यूज करने के लिए इधर आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए या फिर आप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो. अगर हाई स्ट्रेंथ यूज करना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन लेना ही होगा. अदरवाइज डिसेंट या लो जो परसेंटेज है या स्ट्रेंथ है वो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है. मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा हाई स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में वो है ट्रेटिनॉइन. अब ट्रेटिनॉइन इज एक्चुअली एब्सोल्यूट रेटिनोइक एसिड. नाउ रेटिनोइक एसिड इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए जो आपकी स्किन कंज्यूम करती है. तो आप कोई भी अगर अदर फॉर्म ऑफ रेटिनॉल लेते हो, फाइनली वो कन्वर्जन होके रेटिनोइक एसिड में ही कन्वर्ट होता है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल रेटिनॉइड यूज कर रहे हो या रेटिनल यूज कर रहे हो, उनको कन्वर्ट होके फाइनली रेटिनॉइक एसिड ही बनना होता है. तो जो ट्रेटिनॉइन है वो एक्चुअली रेटिनॉइक एसिड है. अब क्योंकि ये डायरेक्ट एसिड है, कन्वर्जन नहीं हो रहा, आपकी स्किन डायरेक्ट इसको कंज्यूम कर रही है, तो ये हाई स्ट्रेंथ है. इसके रिजल्ट्स फास्ट होते हैं, काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है. बट इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से लेना पड़ता है. और मैं तो ये बोलूंगी कि डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में रहते हुए ही आप इसको यूज करो. 0.05, 0.05, 0.01% ये सब अवेलेबल है. तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी आपको सजेस्ट करता है आप उस अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज रेटिनिलडिहाइड. अब रेटिनिलडिहाइड से ट्रेटिनॉइन एसिड का कन्वर्जन होने में एक स्टेप है. तो ये ट्रेटिनॉइन से थोड़ा सा जेंटल है, थोड़ा सा वीक है और ओवर द काउंटर भी मिल जाता है. तो रिजल्ट्स आपको इससे भी देखने को मिलेंगे. रिंकल्स पे ये भी वर्क करता है, ग्लो ये भी देता है, बट रिजल्ट्स थोड़े से स्लो होंगे. ट्रेटिनॉइन के साथ आपको पीलिंग ज्यादा दिख सकती है, रेटिनिलडिहाइड के साथ दिखेगी बट थोड़ी सी कम दिखेगी. तो थोड़ा सा जेंटल है तो आप इसको यूज कर सकते हो. अब सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म रेटिनॉल की है, जो कि आप अपने सीरम में देखी होगी या मॉइस्चराइजर्स में देखी होगी. अब इसको ट्रेटिनॉइक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए दो स्टेप का कन्वर्जन लगता है. तो ये ट्रेटिनॉइक एसिड से दो स्टेप ज्यादा जेंटल भी है. रिजल्ट्स ये भी देगा, थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा बट रिजल्ट्स मिलेंगे. बट ये बहुत ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है, आपको अपने मॉइस्चराइजर्स में या कि सीरम्स में जैसे कि मैंने कहा बहुत इजीली मिल जाते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द नीड आप रेटिनॉल भी यूज कर सकते हो, रेटिनिलडिहाइड भी यूज कर सकते हो. ओके, सो ये कुछ टाइप्स थे रेटिनॉल के. और भी टाइप्स हैं बट उसके लिए पूरा अलग से वीडियो चाहिए होगा, अभी के लिए इतना काफी है. अब फिलहाल बात करते हैं कि रेटिनॉइड क्या करता है. तो रेटिनॉइड बेसिकली आपका जो कोलेजन प्रोडक्शन है स्किन में उसको इंक्रीज करता है, सेल टर्नओवर को भी इंक्रीज करता है. और इसकी वजह से आपके चेहरे पे फाइन लाइंस कम दिखती हैं, रिंकल्स कम दिखते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कम दिखती है, स्किन टेक्सचर कम दिखता है और स्किन पे ग्लो अच्छा आता है. अब ये सब सिम्टम्स हैं एजिंग के. तो अगर आप अपने स्किन केयर में रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स यूज कर रहे हो और आपको उसकी वजह से फाइन लाइंस कम दिख रही हैं, रिंकल्स कम दिख रही हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कम दिख रही है, तो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ये सिर्फ सब एजिंग के सिम्टम्स हैं, ये थोड़े से डिले हो जाते हैं अगर आप अपने स्किन केयर में रेटिनॉल का कॉन्टिन्यूस यूज करते हो. तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. डू यू रियली नीड रेटिनॉइड्स इन योर स्किन केयर रूटीन? आई वुड से नेसेसिटी तो नहीं है बट इट्स अ गुड टू हैव एडिशन इन योर स्किन केयर रूटीन. लेकिन रेटिनॉइड्स के साथ डाउन टाइम भी आता है. पीलिंग हो सकती है, स्किन सेंसिटाइज हो सकती है, थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है. तो ये सब चीजें रेटिनॉइड्स के साथ रहती हैं. केयरफुल यूसेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है विद रेटिनॉइड्स. नाउ रेटिनॉइड्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं बट इतना सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. तो क्या करें, नहीं यूज करें रेटिनॉइड्स? अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, जो भी कुछ आप रेटिनॉइड्स के साथ देख रहे हो वो आपको कॉपर पेप्टाइड्स में भी मिल जाएगा. नाउ कॉपर पेप्टाइड्स में भी जो आपका कोलाजन प्रोडक्शन है वो बूस्ट हो रहा है. कॉपर पेप्टाइड्स भी रिंकल्स पे, फाइन लाइंस पे, पिगमेंटेशन पे काम करता है
और बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है रेटिनॉइड्स का। अब ट्रेटिनोइन अगर आप यूज कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि वो आप कंपेयर कर सकते हो कॉपर पेप्टाइड से, एटलीस्ट आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ स्टडी इस बारे में एग्जिस्ट करती है। बट अगर आप ओवर द काउंटर रेटिनॉल या ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड यूज कर रहे हो, उसकी जगह आप कॉपर पेप्टाइड यूज कर सकते हो, काफी अच्छे रिजल्ट उससे भी मिल सकते हैं। स्क्वालेन इज अनदर प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट, उसके भी रिजल्ट्स आपको सिमिलर बेसिस पे मिल जाएंगे। तो है, जेंटल इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल हैं और आपको सिमिलर रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। बट अगर आप ट्रेटिनॉइन या फिर रेटिनॉल्स भी यूज करना चाहते हो, इतना ध्यान रखो कि जब आप वो यूज कर रहे हो तो उसके साथ AHAs, BHAs या कोई भी जो दूसरे केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं उनका यूसेज काफी ज्यादा कम रखो। और जब भी आप रेटिनॉल यूज करते हो, कोई भी फॉर्म यूज कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो, ढेर सारा मॉइस्चराइजर जरूर लगा के रखो, अदरवाइज आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो फिर आप जो फायदा देखना चाह रहे हो उसकी बजाय नुकसान हो जाएगा। तो हाँ, रेटिनॉल यूज करना बुरा नहीं है अगर आप पीलिंग का ध्यान रख सकते हो, अगर आप प्रॉपर सनस्क्रीन लगा सकते हो, अच्छा खासा अपना स्किन मॉइस्चराइज करके रख सकते हो। रेटिनॉइड्स आर रियली अ गुड एडिशन इन योर स्किन केयर रूटीन। नाउ लेट्स टेक अनदर इंग्रेडिएंट विच इज अल्फा आर्बुटिन, which is, by the way, is a very good ingredient, but it is highly misunderstood and highly misused ingredient in the skincare market. जो अल्फा आर्बुटिन है वो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज होता है, मेलाज्मा पिगमेंटेशन के लिए यूज होता है, या फिर सन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स आ रहे हैं उन सब के लिए यूज होता है। नाउ अल्फा आर्बुटिन जो है वो मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है। बाय द वे, मेलानिन इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू व्हाटएवर कलर यू सी ऑन योर स्किन। मेलानिन जितना भी ज्यादा है आपका स्किन उतना ही ज्यादा ब्राउन या ब्लैक शेड में जाता है, मेलानिन जितना कम है आपका स्किन शेड उतना फेयरर साइड पे जाता है। तो मेलानिन प्रोडक्शन को अल्फा आर्बुटिन कंट्रोल करके रखता है, इसलिए पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट्स में ये यूज होता है। लेकिन स्किन केयर इंडस्ट्री में इट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड फॉर स्किन व्हाइटनिंग एंड दैट इज नॉट व्हाट आई अप्रिशिएट। सो हाँ, ये ब्राइटनिंग पे काम करता है, पिगमेंटेशन पे काम करता है, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस स्किन व्हाइटनिंग इट विल डिसअपॉइंट यू एंड यू आर डिसअपॉइंटिंग मी। कट शॉर्ट इफ पिगमेंटेशन और एनी काइंड ऑफ एज स्पॉट्स या कोई भी तरह के स्कार्स आपका कंसर्न है, अल्फा आर्बुटिन इज अ गुड पिक। ये और मैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बात करने वाली हूँ, इसके बारे में वो सब काफी अच्छे से काम करते हैं पिगमेंटेशन में। इनफैक्ट अल्फा आर्बुटिन की इरिटेंसी प्रोफाइल भी काफी कम है, तो कोई भी अल्फा आर्बुटिन को इजीली अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकता है, इरिटेशन के चांसेस थोड़े से कम है। देखो, किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ जो इरिटेशन के चांसेस हैं वो रहते हैं, मे बी आपको सूट ना करे, तो इसलिए पैच टेस्ट जरूरी है, आपको एक बार चेक करना बनता है, बट चांसेस कम है अल्फा आर्बुटिन के साथ। नाउ अल्फा आर्बुटिन अगर आप विटामिन सी के साथ पेयर अप करते हो, बहुत ही अच्छा पेयर है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, प्रोवाइडेड आपको विटामिन सी भी सूट कर रहा है और आपको अल्फा आर्बुटिन भी सूट कर रहा है, तो ये पेयर आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सकता है। बट हाँ, अगर आप पिगमेंटेशन को आप टारगेट कर रहे हो, सन स्पॉट्स को टारगेट कर रहे हो, या किसी भी तरह के स्कार्स को टारगेट कर रहे हो, प्लीज नोट दैट सनस्क्रीन इज मस्ट। अगर आप फिर सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हो तो पिगमेंटेशन पे किसी भी इंग्रेडिएंट का जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, तो फिर इतना स्किन केयर करने का और पैसा लगाने का, टाइम लगाने का, एनर्जी लगाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑन द लिस्ट इज ट्रांसएक्सेमिक एसिड। तो इसके बारे में आपने कंपैरेटिवली कम सुना होगा, लेकिन अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री से हो या मेडिकल स्टडीज की हैं तो शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग को ट्रीट करने के लिए इसका यूज होता है। बट स्किन केयर में ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड इसका कोई यूसेज नहीं है, स्किन केयर में इसे हम यूज करते हैं पिगमेंटेशन को टारगेट करने के लिए। जस्ट लाइक अल्फा आर्बुटिन, अगर आपको एज स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं या एक्ने स्कार्स हैं, तो ये ट्रांसएक्सेमिक एसिड इज अ गुड पिक, अल्फा आर्बुटिन की तरह ही काम करता है। बट अगर ये अल्फा आर्बुटिन की तरह काम कर रहा है तो फिर अल्फा आर्बुटिन क्यों नहीं यूज करना, ट्रांसएक्सेमिक एसिड क्यों यूज करना है? बेसिकली अल्फा आर्बुटिन की जगह ट्रांसएक्सेमिक एसिड नहीं यूज करना। अगर आपको अल्फा आर्बुटिन यूज करना है, वो पसंद आ रहा है, सूट कर रहा है, आप वो यूज करो। ट्रांसएक्सेमिक एसिड पसंद आ रहा है, सूट कर रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हो, रिजल्ट सेम मिलेंगे, फायदे दोनों के सेम ही हैं। बट हाँ, इतना जरूर है कि अल्फा आर्बुटिन थोड़ा पहले से है, सो वी हैव लॉट्स ऑफ गुड स्टडीज अराउंड इट। ट्रांसएक्सेमिक इज क्वाइट न्यू टू द मार्केट, तो स्टडीज थोड़ी सी कम है, बट अभी उसको हो गए हैं 2-3 साल, तो इट इज वर्किंग डिसेंट एंड गिविंग डिसेंट रिजल्ट्स। तो आपको जो भी प्रोडक्ट सूट करता है, कभी कभी क्या होता है ना कि अल्फा आर्बुटिन या ट्रांसएक्सेमिक से ज्यादा आपको प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन देखना होता है। अगर आपको प्रोडक्ट ए में अल्फा आर्बुटिन मिल रहा है, जो भी उसका कॉम्पोजिशन है, जो भी उसके साथ दूसरे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, वो सूट कर रहा है, तो आप वो यूज कर लो।
मे बी आपको ट्रांसएक्सेमिक एसिड मिल रहा है, कोजिक एसिड के साथ मिल रहा है, इसका कॉम्पोजिशन ज्यादा बेटर है, आप ये यूज कर लो। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है, अल्फा आर्बिटिन या ट्रांसएक्सेमिक एसिड कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों के रिजल्ट सिमिलर मिलेंगे आपको। लेट्स टॉक अबाउट कोजिक एसिड नेक्स्ट। नाउ यू टेल मी, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वन? टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कोजिक एसिड। सबसे पहले तो कोजिक एसिड जो है वो फंगस से बनता है, एंड सेकेंडली जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट होगा, कोजिक एसिड इज यूज प्राइमरली फॉर स्किन व्हाइटनिंग। वाओ, बट लेट्स नॉट ब्लेम द इंग्रीडियंट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट अ बिट मोर। नाउ जस्ट लाइक अल्फा आर्बिटिन और ट्रांसएक्सेमिक एसिड, कोजिक एसिड ऑल्सो कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द मेलानिन प्रोडक्शन। नाउ मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हाइपर पिगमेंटेशन को भी टारगेट करता है, मेलाज्मा के लिए भी अच्छा है, अगर सन स्पॉट्स हैं, एज स्पॉट्स हैं या एक्ने स्कार्स हैं उसके लिए भी काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है। बेसिकली कोजिक एसिड इज अ गुड इंग्रेडिएंट अगर आप उसको स्किन व्हाइटनिंग के साथ एसोसिएट नहीं करते हो तो। आई पर्सनली लाइक यूजिंग कोजिक एसिड सोप स्पेशली इन समर्स बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स विद द टैनिंग। मैंने पर्सनली 50% इम्प्रूवमेंट भी देखा है टैनिंग में। नाउ मैं इसको विंटर्स में नहीं यूज करती बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि कोजिक एसिड सोप स्पेशली यूज करने से ड्राइनेस हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कोजिक एसिड सीरम्स यूज कर रहे हो या आपके मॉइस्चराइजर में है, मेक श्योर जो आप बाकी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो वो काफी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है या हाइड्रेटिंग है। कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स मत यूज करो, फॉर एग्जांपल एएचए या बीएचए मत यूज करो, स्किन थोड़ा सा इरिटेट हो सकती है। मुझे नहीं पता कि बाकी सब लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं या नहीं, बट दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लो स्ट्रेंथ में यूज करो कोजिक एसिड, आपको पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन के साथ हेल्प मिलेगी। अब इससे ज्यादा हाई स्ट्रेंथ अगर आपको यूज करना है देन यू विल नीड टू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, इट्स अ रेगुलेटेड प्रोसेस। बट मार्केट में जो भी सीरम्स अवेलेबल हैं वो इफेक्टिव हैं क्योंकि वो कम स्ट्रेंथ है, तो इरिटेशन भी नहीं होगा, रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, एंड या दैट इज व्हाट यू नीड राइट। नाउ लेट्स टेक द लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ टुडेज वीडियो व्हिच इज सेरामाइड्स, एंड आई डू लाइक द सेरामाइड्स जस्ट लाइक पेप्टाइड्स। नाउ सेरामाइड्स आर फैट्स और लिपिड स्ट्रक्चर इन योर स्किन सेल्स। जो आपके स्किन की टॉप लेयर होती है एपिडर्मिस, उसका 40% पार्ट जो है वो एक्चुअली सेरामाइड से बना हुआ होता है। दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सेरामाइड। नाउ सेरामाइड्स की वजह से ही आपकी स्किन में मॉइस्चर बना रहता है, तो अब सेरामाइड्स की कमी होगी तो मॉइस्चर की कमी होगी, मॉइस्चर की कमी होगी तो ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस होगी तो फिर रिंकल्स होंगे, रिंकल्स होंगे तो फाइन लाइंस होगी, बेसिकली स्किन एज दिखेगी। अब समझ में आई सेरामाइड्स की इंपॉर्टेंस? नाउ डू यू रिमेम्बर इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन दैट हाइलुरोनिक एसिड अट्रैक्ट्स द मॉइस्चर टू अवर स्किन। तो सेरामाइड्स क्या करता है, उस मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। नाउ अगर आपकी डेम स्किन पे आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाया तो मॉइस्चर अट्रैक्ट हो गया। अब अगर आपने उसके ऊपर सेरामाइड्स बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा लिया या सीरम लगा लिया तो आपका जो वो मॉइस्चर है वो लॉक हो गया, एंड हियर यू हैव द प्लम्प स्किन रूटीन। In my last video, I said that peptides are really good addition in our skincare routine, and today I am saying that ceramides are good too. तो क्या use करना है, ceramides या peptides? पहले तो बहुत ही simple language में difference समझ लेते हैं। तो ceramides जो है वो हमारी skin को soft बनाता है, supple बनाता है और moisture lock करके रखता है, इसी की वजह से skin plump भी दिखती है। लेकिन पेप्टाइड्स का काम जो है वो है रिपेयर और मेंटेनेंस का। तो अगर आपके स्किन के रूटीन में पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स दोनों हैं, तो पेप्टाइड्स कॉन्टिन्यूसली रिपेयर और मेंटेनेंस मोड में चलता है और सेरामाइड्स की वजह से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा नरिश्ड रहती है। हाँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है और ड्राइनेस आपका टारगेट है फिर आप सेरामाइड्स यूज करोगे, पेप्टाइड्स को अभी के लिए साइड रख सकते हो, क्योंकि प्राइमरली सेरामाइड्स का काम है आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखना, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना। पेप्टाइड्स अगेन रिपेयर का काम करेगा, तो स्किन पहले मॉइस्चराइज करो फिर रिपेयर मोड में जाओ, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन जो है वो प्राइमरी कंसर्न रहेगा ड्राई स्किन वालों के लिए। नाउ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप डायरेक्टली पेप्टाइड्स पे भी जा सकते हो। नाउ अगर किसी प्रोडक्ट में आपको पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स एक साथ दिख रहे हैं ना, आई वुड से दैट इज लाइक मस्ट हैव, शुड हैव, गो एंड बाय इट नाउ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि उसके थ्रू आपको मतलब मल्टीपल स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रोडक्ट में आपको मॉइस्चराइजेशन भी मिल रहा है, नरिशमेंट भी मिल रहा है और रिपेयर भी मिल रहा है। यही प्रोडक्ट आपको ग्लो भी देगा, आपकी फाइन लाइंस पे भी काम करेगा, आपके रिंकल्स पे भी काम करेगा, तो बहुत सारे एडिशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं रहेगी। आई थिंक बी बॉडी वाइज में एक मॉइस्चराइजर है, उसमें सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, और डर्माको की डॉक्टर वी वाली जो रेंज आई है उसमें भी एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चर समथिंग करके है, दैट इज ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट।
जनरली मैंने देखा है कि पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स अलग अलग ही मिलते हैं, वो भी ठीक है अगर आप दोनों एक साथ स्किन केयर में यूज कर सकते हो, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनफेक्ट सेरामाइड्स किसी भी स्किन केयर रूटीन में बहुत ईजिली ऐड हो जाता है, आप दिन में लगा लो, रात को लगा लो, शाम को लगा लो, AHA यूज किया है तो भी लगा लो, BHA यूज किया है तो भी लगा लो। इनफैक्ट अगर AHA, BHA और रेटिनोल यूज किया है उस दिन तो आप सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर जरूर लगाओ, क्योंकि स्किन में किसी भी तरह की ड्राइनेस आ रही है ना तो वो सेरामाइड्स के थ्रू ट्रीट हो जाएगी। सेरामाइड्स आर रियली गुड फॉर योर स्किन केयर रूटीन, तो आप हाँ उसको इंक्लूड करो। और एज आई सेड कि अगर पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स का कोई प्रोडक्ट एक साथ दिख रहा है ना तो उसको आप ले लो, यूज कर लो। अगेन आपको सनस्क्रीन और फेस वॉश तो चाहिए होगी, बट कुछ और एडिशनल लाइक नाइसिनामाइड, विटामिन सी, रेटिनॉल्स वगैरह की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। आई थिंक आई एम गोना एंड टुडेज वीडियो विद द सेरामाइड्स एंड माइट डू अ पार्ट 3 फॉर रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि अभी भी मुझे एजिलिक एसिड के बारे में बात करनी है। वी ऑल्सो हैव हाइपोक्लोरस एसिड, वी हैव कोएंजाइम Q10 एंड थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में बात करनी है, तो पार्ट 3 में ही उन सब के बारे में बात करके पार्ट 3 को ही लास्ट बना देंगे। बट आज के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपका सबसे ज्यादा फेवरेट इंग्रेडिएंट कौन सा है जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आपको बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज मिल जाए। And also, if you haven't done yet, please consider subscribing to my channel, which is Blessed by Daljeet. And do click on the bell icon right next to it so that you are notified each and every time I upload a new video. I'm gonna meet you next time. Bye-bye.